बाद आप लोगों के हाथ में जाए। तो मैं भी अपनी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों ने आपके साथ सारी यकजहती की है और आप लोग भी अपना एहतजाज खत्म करके असम्बली आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस काले कानून की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, हम पूरे साफी बरादरी के साथ हैं, हम किसी सूरत में भी इस कानून को पास होने नहीं देंगे। आपके हक में इंशाल्लाह पूरा हम बायकॉट भी करेंगे, असेंबली में एहतजाज भी करेंगे, सीएम से भी मिलेंगे। आप बेफिक्र हैं, हर हाल में ये जो आपको दबाने के लिए जिस तरह किया जा रहा है इसको इंशाल्लाह दबाने किसी सूरत में आप हमको नहीं देंगे। हम आपके साथ हर मोड़ पर रहेंगे, इंशाल्लाह किसी भी मोड़ पे आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। थोड़ा सा जरा बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की है और हमने इसी कानून को चैलेंज किया है। हमें आप तमाम जो पुलिस जमातें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो पी डी एम की सूरत में हों या बलोचिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो हमारे इस जदोजहद में हमारे साथ हैं और हमेशा से रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप असेंबली फ्लोर पे भी हमारे इस इशू को भरपूर तरीके से उठाएंगे ताकि ये जो एक काला कानून इस वक्त रातों रात जो नाफिज़ किया जा रहा है, जिसके तहत एफ आई ए किसी भी शख्स किसी भी साफी को गिरफ्तार कर सकती है बगैर किसी वारंट के, तो हम ऐसे कानून को नहीं तस्लीम नहीं करेंगे ना मंजूर करेंगे। और इसके लिए हमें आपके भरपूर ताउन इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। चले आ जाइए आप लोग, चल जो है चलते जरा गैलरी में। थैंक यू। फोन नंबर से है या आओ बस ये व्हाट्सएप खत्म करो सर, दस मिनट व्हाट्सएप ठीक है।